तो अब देखो आप इसका कैमरा कंपैरिजन, तो काफी अच्छा लग रहा है इसमें शूट करने में। किताबें पुस्तकें हैं बहुत सारी इसके अंदर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज का व्लॉग काफी मस्त होने वाला है। आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया कि क्यों मस्त होने वाला है। आज फाइनली आज मुझे मिलने जा रहा है अपना नया फ़ोन। 6 महीने हमने इस मोबाइल से निकाल लिए हैं क्वालिटी। आज आखिरी बार इस फ़ोन से शूट करी वीडियो देखेंगे। अब अगली बारी जो वीडियो क्वालिटी आएगी वो एकदम आसमान। तो दिखाते हैं हम आपको नया फ़ोन। पहले आप उसके कुछ सिनेमैटिक चेक करें, फिर आपको दिखाएंगे अपना नया फ़ोन। स्किन बॉक्सिंग काफ़ी, मतलब वैसे नहीं कि टेक्निकल गुरुजी बन जाएंगे, टेक गोल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं। हम आपको सिंपल अनबॉक्सिंग दिखाएंगे उसकी और कुछ उसकी कंपैरिजन दिखाएंगे। चलो कुछ देखा उसके सिनेमैटिक। दिखाते हैं आपको अब मोबाइल का कुछ बॉक्स आपको। तो ये है कुछ अपने मोबाइल का बॉक्स, लिखा है इसमें 9R। ये है OnePlus 9R। काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है। मेनली मैंने इसको कैमरा के उससे फ़ोन लिया है मैंने। ये मुझे मेनली कैमरा ही चाहिए था फ़ोन में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस कैमरा ही चाहिए बस, और कुछ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। इसकी फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। सो फाइनली अब वी हैव दिस OnePlus 9R, इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। पॉलिथिन मैंने इसकी पहले ही खोल ली थी सिनेमैटिक के टाइम, क्योंकि पॉलिथिन में थोड़ी शाइन हो रही थी धूप में। तो सबसे पहले हमारे को दिखता है ये वन प्लस फोन आ गया हमारा। ये इसको निकालते हैं फटाफट से बाहर। सो फाइनली वी हैव दिस OnePlus 9R। सो ये है अपना कुछ फ़ोन। ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है। तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में बॉक्स के अंदर, और हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। बॉक्स के अंदर तो यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर चार्जर है। बॉक्स के अंदर हमें मिल रहा है 65 वॉट्स का चार्जर, और ये रेड कलर की केबल जो वन प्लस देता ही है। जब रेड कलर का बॉक्स है तो रेड कलर की केबल भी होगी इनकी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो इसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है। इसके अंदर है कुछ जान भरी बातें। अच्छा, इस बार इन्होंने कवर भी दिया, देखो नेवर सेटल लिखा है इसमें। देखो दिख नहीं रहा होगा इसमें, ये यहाँ पे देखो साइड में लिखा नेवर सेटल। थोड़ा थोड़ा आपको दिख ही रहा होगा, ये नेवर सेटल लिखा है इसमें, नेवर सेटल लिखा है। और क्या है, किताबें पुस्तकें हैं बहुत सारी इसके अंदर। और इधर तो MBBS के एग्जाम में भी नहीं आते इतने सारी पुस्तकें। अच्छा, इस बार इन्होंने क्या दिया, देखो ये कुछ उसमें यहाँ पे ज्ञान भरी बातें लिखी, और ये इन्होंने कार्ड दिया इस बार। ये देखिए कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की तरह है ये, रेड केबल क्लब का कार्ड है ये। तो ये कार्ड को हम रख देते हैं यहाँ पे साइड में। ये पेन है इसकी सिम वाली। ये है कुछ उसमें, ये काफी सही है इसका। इसे जैसे हमने ओपन करा तो सीधा ही आ गया है साइड में। पुस्तक है इसमें बहुत सारी, ये तो जिसे पढ़ने की पढ़ लेना। ये स्टिकर्स इसमें OnePlus 9R, नेवर सेटल, OnePlus स्टिकर्स हैं। स्टिकर्स का तो हमारा ज़्यादा काम नहीं है, और इसके अंदर कुछ नहीं, खाली डब्बा है। तो चलो मेनली आते हैं हम फ़ोन में, तो इसे स्विच ऑन करते हैं हम। फर्स्ट बूट ऑन इसे कर दिया हमने, अब इसे हम सीधा सेटिंग करके आपको दिखाते हैं पूरा। तो गाइस, अब जो मतलब वीडियो क्वालिटी आएगी एकदम मस्त आएगी, और ये 120 हर्ट्ज मिलता है इसमें आपको। काफ़ी बढ़िया है फीचर, देखो कितना फास्ट चल रहा है ये। इसकी कुछ आपको मैं सेटिंग्स दिखाता हूँ मैं। तो ये मिलता है आपको इसमें अबाउट फोन। तो ये है देखो हमारा 128GB वेरियंट, 8GB रैम, 48 MP का इसका प्राइमरी लेंस है, 16 MP का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 MP का इसमें है टेलीफोटो लेंस, और 2 MP का इसमें आपको मिलता है मैक्रो लेंस,
120 हर्ट्ज की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले में, एंड्रॉयड 11 में चलता ही है ये, एंड्रॉयड 11 में चलता है ये पूरा। काफ़ी मतलब सही फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है मतलब वन प्लस का ये, कुछ भी कह लो। कैमरा ये है इसका कुछ क्वालिटी, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इसकी क्वालिटी ऐसे रही है। मैंने लगा रखा अपना सेटअप, तो क्वालिटी आ रही है इसकी एकदम बढ़िया। सो गाइस अभी ये वीडियो शूट हो रही है रेडमी के 8A से। अब आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा कंपैरिजन रेडमी 8A और 9R का, तो अब देखो आप इसका कैमरा कंपैरिजन। सो गाइस ये ये जो कैमरा कंपैरिजन है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे कि कैसी है इसकी कुछ क्वालिटी। तो क्वालिटी अब आने वाली है एकदम नेक्स्ट लेवल, तो सारी वीडियो अब इसी क्वालिटी की आएगी। तो मैं आपको एक नया फीचर दिखाता हूँ इसमें, एक में इसमें नया फीचर आया सिनेमैटिक मोड का। अब आपको मैं वो फीचर दिखाता हूँ कि क्या खतरनाक फीचर है वो फीचर देख रहा हूँ आप। तो गाइस सारे पैसे अब ये जो पीछे आप ब्लर देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो ये फंक्शन है इसका कुछ नया सिनेमैटिक मोड आया इसमें। ये देखिए गाइस ये पीछे ब्लर आ रहा है ना पूरा एकदम, सारे पैसे इसी चीज के हैं। तो ये फोन मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल फोन है। इसका कैमरा जो एकदम, आप लोगों को पता ही होगा कि वन प्लस के कैमरे तो होते ही कैसे हैं, तो ये जो बैकग्राउंड मतलब ब्लर आ रहा है, काफी सही व्यू आ रहा है इसमें बैकग्राउंड में। तो एक और फीचर दिखाते हैं इसमें आपको एकदम खतरनाक वाला, ये एक फीचर मिलता है ये है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फीचर है इसमें। अल्ट्रा वाइड फीचर मतलब पूरा आपको मेरा एकदम पूरा बढ़िया करके व्यू आ रहा होगा। तो इसे जितनी तारीफ करो इसके कैमरे की उतनी कम है, मतलब अल्टीमेट कैमरा इसे बोलते हैं ना एकदम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये देखिए सकते हैं पूरा एकदम पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है। तो ये है इसका कुछ कैमरा, तो इसकी कुछ अब और फीचर्स दिखाते हैं आपको, देखो आप। सो गाइस अब जो वीडियोस आएंगी ना वो आएगी एट 4K 60fps, समझ रहे आप, मतलब तगड़ी बातचीत है अपनी एकदम वन प्लस वालों से। यहाँ पे मैंने वो फिट कर दिया था ये YouTube का जो था 500 सब्सक्राइबर्स वाला, यहाँ पे मैंने लगा दिया था इसके साथ में। तो ये है कुछ वन प्लस 9R, तो ये इसका जो कैमरा है ये प्राइमरी लेंस वाइड एंगल लेंस, और इसमें दो और है मैक्रो लेंस और एक टेलीफोटो लेंस है शायद से। तो क्वालिटी एकदम आ रही है 4K 60fps में, एकदम बढ़िया क्वालिटी। तो ये है कुछ फ़ोन इस वक्त पीछे से। तो इसमें वो क्या करते हैं अपना फेस लॉक लगाते हैं इसमें, हो गया सेकंड टाइम। तो ये जो वाइड एंगल शूट करता है ये करता है 1080x30fps, तो सही है मतलब काम चलाने लायक सही है। जैसे वाइड एंगल अगर आपको कभी शूट करना हो, ये तो 4K 60fps तो काफ़ी सही है इसका। तो ये इसका वाइड एंगल कैमरा सही है काफ़ी, मतलब अच्छा लग रहा है। तो इतना सब कुछ देख ही लिया, तो इसके कुछ फोटोज भी देख लो जिससे कुछ हमने क्लिक करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादातर मैं वीडियोस ऑफ वाइड एंगल कैमरे में शूट करूंगा, तो काफी अच्छा लग रहा है इसमें शूट करने में। आगे स्वाद। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। दिस इज़ आरजीए ब्लॉग साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।